हाय फ्रेंड्स, अगर आपके भी इंस्टाग्राम अकाउंट पर इनसाइट का आइकन नहीं आ रहा है, इनसाइट वह आइकन है जिसे आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है उस अकाउंट का रीच कितना है, आपने जो रील्स वीडियो डाला है उस रील्स वीडियो पर कितना लाइक आया है, कितना कमेंट आया है, कितने लोग उस वीडियो को प्ले किए हुए हैं, आप लोग आसानी से इनसाइट के जरिए चेक कर सकते हैं। लेकिन आपके भी जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस अकाउंट पर इनसाइट का आइकन नहीं आ रहा है, तो आप लोग वीडियो खत्म होने से पहले आप लोग के इंस्टाग्राम अकाउंट पर इनसाइट का आइकन आसानी से ला सकते हैं। तो फ्रेंड, मेरा नाम है विशाल कुमार, आप देख रहे हैं प्यारा चैनल बर्मा डे। चैनल बनाए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे भी इंस्टाग्राम अकाउंट पर इनसाइट का आइकन नहीं शो कर रहा है, तो इनसाइट का आइकन शो कराने के लिए सबसे पहले आप लोग इंस्टाग्राम ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है। इस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट वाला मेन्यू आइकन दिया गया है, जस्ट इसी वाले आइकन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक सेटिंग का आइकन दिया गया है, जस्ट सेटिंग वाला आइकन पर आप लोगों को क्लिक करना। सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक अकाउंट का आइकन दिया गया है, जस्ट आपको अकाउंट वाला आइकन पर क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट है, इसी वाले ऑप्शन को आप लोगों को सेलेक्ट करना होगा। चलिए इसी वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार का जो पेज है ओपन होगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि गेट प्रोफेशनल, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका जो भी इंस्टाग्राम अकाउंट है अगर उस अकाउंट को आप क्रिएटर अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं तो कोई भी आप पोस्ट को प्रमोट कर सकते हैं एंड वीडियो को भी प्रमोट कर सकते हैं एंड रील्स का आप इनसाइड भी आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू वाले आइकन में आपको नीचे की तरफ क्लिक करना है। यहाँ पर कंटिन्यू, अगर आप किसी भी क्रिएटर का इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करते हैं तो जस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि डिजिटल क्रिएटर या वीडियो क्रिएटर, तो आपको यहाँ पर वीडियो क्रिएटर सेलेक्ट कर लेना होगा। अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर या इंस्टाग्राम रील्स पर अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग भी चूज कर लेना होगा। अगर आप वीडियो क्रिएटर सिखाते हैं, जैसे कि आप रील्स के बारे में बताते हैं या कोई टेक्नोलॉजिकल या मनोरंजन जैसा आप वीडियो रील्स बनाते हो, तो आपको वीडियो क्रिएटर सेलेक्ट कर लेना होगा। वहाँ पर बताया जा रहा है कि इस क्रिएटर ने वीडियो क्रिएटर आइकन चूज किया होगा। अगर आप वो शो कराना चाहते हैं तो इसको ऑन कर दीजिएगा, इसको डाउन वाला आइकन पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। जैसे क्रिएटर वाला आइकन आप लोगों को चूज कर लेना होगा। इसके बाद नेक्स्ट वाला आइकन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। जस्ट आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है पर्सनल से आपका जो अकाउंट है क्रिएटर अकाउंट में सेटअप हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इनसाइट का आइकन आ चुका है, पहले यहाँ पर इनसाइट का आइकन नहीं था। अब आप लोग इनसाइट वाले आइकन पर क्लिक करके आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपने जो इंस्टाग्राम रील्स पर रील्स वीडियो अपलोड किया है तो कौन सा आपका जो रील्स वीडियो है टॉप मोस्ट पॉपुलर है, आपका अकाउंट का रीच कितना है, आप लोग यहाँ से आसानी से चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आ चुका है क्रिएटर रील्स। हमने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया हुआ है कि इंस्टाग्राम रील्स का इनसाइट कैसे चेक किया जाता है, आप लोग उस वीडियो को जाकर एंड स्क्रीन में आसानी से देख सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपने इंस्टाग्राम इनसाइट का जो आइकन है ला चुके होंगे। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को भी लाइक करना है। अगर अभी आपके मन में डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं।